हरे कृष्णा। नित्यानंद त्रयोदशी के उपलक्ष पर हम नित्यानंद प्रभु को प्रणाम श्लोक अर्पण करते हैं, तो आइए देखते हैं नित्यानंद प्रभु इनके लिए प्रणाम मंत्र कौन सा है। तो नित्यानंद प्रभु जो कि बलराम जी ही स्वयं है ऐसा शास्त्र बताते हैं, और इस संसार में बद्ध जीवों के ऊपर करुणा करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु का अवतार हुआ है, उनको यदि हम प्रणाम अर्पण करते हैं उनके आविर्भाव दिवस के दिन, तो उनकी ढेर सारी कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। तो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस प्रकार से वर्णन करते हैं, ये श्लोक है। संकर्षण कारण तो यशाई गर्भो दशाई च पयो दिशाई शेषश्च यस्यांश कला सनित्या नंदाख्य रामः शरणम् ममास्तु। तो बताया गया है कि नित्यानंद तत्व के बारे में यहाँ पर बताते हैं। संकर्षण मतलब आध्यात्मिक संसार में जो महासंकर्षण है वो, दूसरा बताते हैं कारण तो यशाई मतलब कारण सागर में लेटने वाले कारणोदक शाही विष्णु, जिनके रोम रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं वो कारणोदक शाही विष्णु। गर्भोदशाही मतलब गर्भोदक सागर में जो लेटे रहते हैं गर्भोदक शाही विष्णु, वो गर्भोदक शाही विष्णु हर एक ब्रह्मांड के लिए एक गर्भोदक शाही विष्णु होते हैं। और पयोपदिशाही मतलब क्षीर सागर में जो लेटे रहते हैं वो क्षीरोदक शाही विष्णु, जिनका एक निस्तारित रूप हमारे सबके अंदर परमात्मा के रूप में स्थित है। और शेषश्च शेष अनंत शेष, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी के वजन को धारण किया हुआ है अपने फणों के ऊपर ऐसा कहा जाता है, ये शेष। तो इन पांचों का वर्णन किया गया है। संकर्षण महासंकर्षण आध्यात्मिक संसार के कारणोदक शाही विष्णु, गर्भोदक शाही विष्णु, क्षीरोदक शाही विष्णु और अनंत शेष, ये सब कौन है? कला यस्य अंशांश कला सनित्या, वो उन राम मतलब उन राम उन बलराम जी के जो है वो अंश है या अंशों के अंश है। क्या नाम है उनका? नित्यानंदाख्य, जो नित्यानंद नाम से जाने जाते हैं। शरणम ममास्तु, उनकी जो है वो मैं शरण ग्रहण करता हूं। तो नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करने के लिए जो है वो ये श्लोक कहा गया है। तो सब लोग पुनः एक बार हाथ जोड़ के मेरे साथ बोलिए, संकर्षण कारण तो यशाई गर्भो दशाई च पयो दिशाई शेषश्च यस्यांश कला सनित्या नंदाख्य रामः शरणम् ममास्तु। तो ये श्लोक का उच्चारण आप करते रह सकते हैं संपूर्ण नित्यानंद त्रयोदशी के दिन, और नित्यानंद प्रभु उनकी चेतना में स्थित रह सकते हैं और उनका आश्रय ग्रहण करेंगे इस श्लोक के माध्यम से, उन्हें प्रार्थना अर्पण करके, तो उनकी कृपा हमारे ऊपर जरूर बरसेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।